राम जी, सारे नए मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, अगर कुर्ती पे कढ़ाई दी गई है कुछ इस तरह से, जैसे कि ये मेरे पास है, ये गले पे दिया गया है और बैक में कुछ इस तरह से ही दिया गया, सेम है फ्रंट और बैक, और साथ में ही ऐसे ही बाजू पे दिया गया है, ये देखिए, और ऐसा ही डिजाइन सेम है ये पल्ले पे भी, तो आप देख सकते हो। तो इस सूट की कटिंग हम करेंगे कैसे, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और सीखते हैं कटिंग। तो ये देखिए, ये बैक, ये फ्रंट, और ये फ्रंट की कढ़ाई है और ये बाजू की कढ़ाई है। मैंने पूरा ही इसको अच्छे से इस तरह से बिछा दिया ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो आपको ये अब इसको कटिंग कैसे करना है, तो पहले यहाँ पे ये समझ लिए, या तो आपका खुद का है या कस्टमर का है, पहले आप सूट की लंबाई मापेंगे। अगर आपको कस्टमर दे के चला जाता है तो कहता है कि नेक डीप रखना है, तो उससे बोलो कि नेक इसमें छोटा है, जैसे कि इसमें छोटा बना, तो इस नेक को हम कैसे कटिंग करेंगे और इस नेक को कैसे हम ब्रॉड है जैसे कि ब्रॉड में कैसे रखेंगे, और इसकी चौड़ाई अगर कम करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो पहले हम फ्रंट के लिए अलग कर लेंगे बैक और फ्रंट को। तो इसमें मैंने जो सूट की लंबाई को रखनी है 38, तो यहाँ से मैं इस पर 40 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हम नेक को छोटा नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा। तो आप कस्टमर से बोल दे, अगर वो कहता है कि मेरी 38 ही लंबाई है, 37 रखनी है, तो उसे बोलो कि भाई ये बढ़ा के ही रखी जाएगी, नहीं तो नेक का डिज़ाइन है जो खत्म होएगा, और नहीं तो फिर आपको नीचे से लेंथ को कम करना पड़ेगा। जैसे कि इस पे भी एक कढ़ाई दी गई है और ये इस पे बॉर्डर है, हम इसको उतार के ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं ऐसे। तो मैं फ्रंट को अलग कर लेती हूँ लंबाई के हिसाब से। तो अब देखिए, मैंने लंबाई के हिसाब से फ्रंट को कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद पहले हम यहाँ से नेक की चौड़ाई को मापेंगे कि नेक की चौड़ाई कितनी है। तो इसमें नेक की चौड़ाई है जो वो आई है 7 इंच, और यहाँ से ऐसे इसकी लंबाई को माप लेंगे, लंबाई इसमें है 5.5 इंच। तो हम इसको बोट नेक के आकार में कट करेंगे। बोट नेक को कैसे कटिंग करना है, तो ये देखें, आपको ना यहाँ से कढ़ाई से कढ़ाई को इस तरह से मिला लेना नेक, और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे ताकि हमारा नेक ही लेना। तो सेम एक पिन मैं यहाँ पे लगा लूँगी और एक पिन लगा लूँगी मैं नीचे पल्ले पे ऐसे ही। पहले हम कपड़े को इस तरह से झड़काएंगे, जो भी अंदर की तरफ सड़बट है वो निकल जाए। ये जो मैं सूट कट कर रही हूँ ये है कपड़ा जाम कॉटन। तो ये देखिए, ये मैंने पिन लगा लिए हैं। पिन लगाने के बाद अब हमारे नेक पे सलवट आई है, तो यहाँ से हम दोबारा से इसको खोलेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। जब हम कुछ इस तरह से डिजाइन दिया जाता है नेक पे या पल्ले बाजू पे, तो शुद्ध में ना टाइम लगता है कटिंग करने में, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ता है कि कैसे उसको कटिंग करना है। तो ये मैंने अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। अब इसको देखिए, यहाँ से नेक की चौड़ाई जो मैंने आपको बताई थी वो 7 इंच आई है। तो इसको हम कैसे कट करेंगे, अगर आपको यहाँ से नॉर्मली ही रखना है, जैसे कि हम 2.5 या 3 इंच नेक रखते हैं, तो आप ऐसा करें, ये जो नेक की कढ़ाई दी गई है यहाँ से 3 इंच पे या 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। ऐसे निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से तिरछा मिलाएं, ऐसे जैसे हम डाट डालते हैं ना वैसे लगा लें, और यहाँ से इस पर सिलाई लगा दें, तो आपकी जो नेक की ब्रॉड है वो कम हो जाएगी। यहाँ इसमें मैं कम नहीं करूँगी, क्योंकि बैक में भी और फ्रंट में भी सेम है, तो मैं इसको बोट नेक में ही यूज़ करूँगी कुर्ती को। तो इस कुर्ती को हम बोट नेक कटिंग करेंगे। यहाँ से बोट नेक है जितनी, हम जैसे कि मैंने एक मेजरमेंट की भी वीडियो डाली है कि शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लें, अगर चैनल पे नहीं है तो आप उस वीडियो को देखें जाके। तो यहाँ से जितना हमारा शोल्डर आता है उतना ही हम रख लेंगे बोट नेक कुर्ती में। तो इसमें 7 इंच था जिस कस्टमर की मैं कुर्ती कट करूँगी, तो यहाँ से ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया। सात इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम मुड्डे को भी आप नीचे बढ़ा के निशान लगाएंगे, तो 7.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। सेम ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कमर की और हिप की लंबाई का भी निशान लगाएंगे। तो इसमें मैं कमर की लंबाई जो रखूँगी 13.5 इंच, और जो यहाँ से चाक ओपन होते हैं वो रखूँगी मैं 21 इंच। अभी इन निशानों को सामना देखने के लिए इस तरफ भी लगा लूँगी और निशानों को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हम पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसकी 36, तो 36 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम
दो इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। और यहाँ से हम चेस्ट के निशान लगाएंगे, तो ये है अपर चेस्ट और यहाँ पे चेस्ट, तो हम ढाई इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे जो चेस्ट है इसकी वो है 35 इंच, तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। कमर है वो 31 इंच है, तो 31 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, आएगा 8.5 इंच और 2 इंच यहाँ पे भी ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। हिप है 36, तो 36 में हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो आएगा 38, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। सेम यही निशान हम यहाँ से देख लेंगे कि कितना आया, वही सेम हम पल्ले पे लगा लेंगे। अब इस निशान को आपस में मिला देंगे, यहाँ से पहले हम मार्जिन को मिलाएंगे, अब फिटिंग के निशान को मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद अब यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाते हैं। कई क्या गलती करते हैं कि जितना हमें तीरे का निशान लगाया उतना ही सेम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये नहीं करना है। जिसका भी यहाँ पर बनाओ हो उसका मेजरमेंट ले ले फ्रंट क्रॉस का, उसके भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं फ्रंट क्रॉस का। तो यहाँ पे इसका है 13 इंच, तो ये मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से मिला देंगे ऊपर की तरफ। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे और इसको भी ऐसे ही मिलाएंगे तीरे के निशान से। ऐसे मिलाने के बाद ऊपर से हम कंधे को 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से तिरछा मिला देंगे जितना हमें नेक की ब्रॉड रखी है। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से आर्म होल का सेंटर कर लेंगे और यहाँ से हम शेप देंगे ऐसे। सेम ऐसे ही फ्रंट क्रॉस की भी देंगे। इस तरह से तो ये देखिए, अब इसको हम कट कर लेंगे और बैक पार्ट को कैसे कटिंग करेंगे तो ये समझेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। कटिंग करने के लिए ऐसे ही सेम मैं बैक को भी बिछा लेती हूँ। तो ये मैंने बैक के लिए भी 2 लेयर में कपड़े को सेम बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे भी हम नेक से नेक को इस तरह से मिलाएंगे कढ़ाई को फ्रंट और बैक की। बॉटम नेक में हमें कंधे को, जैसे कि हम आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं हर एक सूट या कुर्ती में बैक को उठा के कटिंग करती हूँ, तो बॉटम नेक में हमें जरूरत नहीं है कि उठा के कटिंग करें, क्योंकि हमारे पीछे से अगर डीप नेक है तो तब हमें उठाने की जरूरत पड़ती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे सेम ऐसे ही। तो ये देखिए नीचे से मैंने तुपाई फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब इसको फ्रंट को छांट देंगे। इस तरह से तो ये मैंने बैक और फ्रंट को कट कर लिया है। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बाजू का कपड़ा है, जो कढ़ाई दी गई है वो सिर्फ इतना सा कपड़ा है और इतने कपड़े में बाजू हमारी तैयार होगी नहीं, क्योंकि हमारा मुड्डा है जो वो कम होगा। तो अगर हमें कढ़ाई भी लेनी है और इसमें ज्वाइंट लगाना है तो वो कैसे लगाना है, तो यह समझे। पहले हम यहाँ से बाजू की जितनी लेंथ है उसको कट कर लेंगे। यहाँ से तुरपाई फोल्ड के लिए इसमें मार्जिन है नीचे की तरफ, तो मैं कढ़ाई से ही लंबाई को माप लूँगी और निशान लगा लूँगी। तो मैंने बाजू की लंबाई जो वो 14 इंच रखनी है, तो मैं 14.5 इंच तक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद और दोनों स्लीव को अलग अलग कर लेंगे कट करके। अब कटिंग करने के बाद ये स्लीव एक का कपड़ा है, जो इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे और एक दूसरे की तरफ रख लेंगे। तो यहाँ से हमें ये नहीं देखना है कि उस तरफ कपड़ा ज्यादा है और इस तरफ कम है, तो सिर्फ हमें कढ़ाई को यहाँ पे मिलाना है ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से हम ये कपड़ा जो बढ़ के आया इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। अब हम कपड़े को ऐसे करेंगे और इस तरह से बाजू को लेंगे। हम इस तरह से इसमें ज्वाइंट लगाएंगे जो कि हमारी बाजू में नज़र भी नहीं आएगा, फ्रंट में तो आएगा तो बैक में ही आएगा ज्वाइंट। तो इस तरह से मिलाते हुए ऐसे अब यहाँ से हम इसको मापेंगे, तो यहाँ तक हमारी बाजू निकल जाएगी। तो इसमें हम यहाँ की तरफ
आगे की तरफ ना हम ज्वाइंट लगा लेंगे, जो बैक से साइड से कपड़ा बचा था इसी का ही ज्वाइंट लगाएंगे। तो ये स्लीव का ज्वाइंट कैसे लगाएंगे, तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना स्लीव के पास, वो मैंने कट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब इस कपड़े को इस तरह से लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से सेट करने के बाद हम नीचे की तरफ से देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा कपड़ा है। इस तरह से निशान लगा लेंगे ऊपर के कपड़े पे। ऐसे निशान लगाने के बाद यहाँ से भी हम तुरपाई फोल्ड के लिए इसको सीधा कर लेंगे, मार्जिन को सीधा करने के बाद। अब यहाँ से भी हम जैसे कि ये निशान लगाया मैंने 14.5 इंच तक, अब इसी निशान से यहाँ से कढ़ाई को मापेंगे कितना ये आया है 2.25 इंच। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे 2.25 इंच। यहाँ से हम बाजू की लंबाई मापेंगे तो 14.5 इंच, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम बाजू को 3 इंच डाउन करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ से जितना आर्मोल लिया था उसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे। जैसे मैंने 7.5 लिया था तो 8.5 पे निशान लगाएंगे, तो ये 8.5 पे ही आया। और आगे की तरफ 2 इंच 1.5 इंच जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना रख लें। यहाँ से मोरी का निशान लगाएंगे, मोरी इसमें मैं रखूँगी 5.5 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो मैं ज्वाइंट लगाऊंगी ना, ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्लीव के फोल्ड करने के बाद 4 पार्ट होते हैं तो चारों में ही आएगा, सिर्फ 2 पार्ट में ये ज्वाइंट आएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो आप देख सकते हो ये स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब इसी पे कटिंग कर लेंगे। अब क्या करते हैं, कई बार ना सूट या कमीज कटिंग करते हैं हम, उसमें ना कपड़ा कम आता है, तो कम आने के बाद हमारी जो स्लीव है उसकी चौड़ाई नहीं बन पाती, तो आप ऐसे ही ज्वाइंट लगा के उसको कट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने 2 पीस कट किए हैं, और यहाँ पे ये बैक में आएगा तो ये बैक में ही ज्वाइंट हो गए, फ्रंट में हमारा प्लेन रहेगा, और ज़्यादा कढ़ाई हमारी फ्रंट में रहेगी और बैक में ये माइनर सी आएगी। यहाँ पर आगे अगर खाली आपको लगे तो यहाँ पर आप लेस वगैरह इससे रिलेटेड थोड़ा वो टुकड़ा लगा सकते हो। तो ये मैंने आपको बॉर्डरनेक कुर्ती की कटिंग दिखाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने आपको कैसे कटिंग करना बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।